हाय फ्रेंड्स, आई एम शिप्रा खन्ना और हमेशा की तरह आपके लिए एक और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर मैं आई हूँ फ्रॉम माय बुक शेल्फ। और इस डिश का नाम है पपाया ग्लेज्ड चिकन। सबसे पहले हम चिकन लेंगे और इस चिकन के अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट, साथ में मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑल स्पाइस पाउडर, थोड़ा सा पेपर, लाइम जूस एंड कोकोनट मिल्क। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे तक, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अंदर मिक्स हो जाएं। ये लीजिए, अब तैयारी करते हैं हमारे पपाया ग्लेज की। तो यहाँ पे है मेरे पास पपाया, जो कि मैंने ऑलरेडी मैश करा हुआ है और इसके अंदर मैंने डाली है रेड होल चिली चॉप करके एंड रेड चिली पाउडर, साथ में सॉल्ट एंड लेमन जूस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ ग्लेज आउट ऑफ इट। सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे और उसके बाद ये ग्लेज को कुक करेंगे। तो जब तक हमारा ग्लेज तैयार हो रहा है, हम जो चिकन पहले से मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल, ये मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर जाएगा। और जो सारे मैरिनेटिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम ग्लेज के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक के जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद हम इसको ग्लेज की तरह इस्तेमाल करेंगे। चिकन को कवर कर देते हैं ताकि वो बहुत जल्दी पक जाए। ये ग्लेज हमारा तैयार हो गया है, इसको गैस से हटा देते हैं और ये चिकन को हम कुक करेंगे। और अब इस स्टेज पर मैं ग्रिलर को हीट करूंगी। ग्रिलिंग पैन गर्म हो चुका है, मैं ये चिकन के पीसेस इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस ग्लेज से इन चिकन के पीसेस के ऊपर ग्लेज करेंगे ब्रश से। जो पपीता हमने इसमें इस्तेमाल किया है उससे मिठास मिलेगी, रेड चिली से मिर्ची, और इसके अंदर हमने नींबू का भी इस्तेमाल किया है, तो जो सारे फ्लेवर्स हैं इट विल बी अ बैलेंस ऑफ स्वीट सावर एंड सॉल्टी। इसको पलट देते हैं। अब इस तरफ से भी इसको हम ग्लेज कर देंगे। थोड़ा सा धनिया काट के मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूंगी, जस्ट फॉर दैट डैश ऑफ कलर, बिकॉज आई लव कलर्स। चिकन हमारा तैयार है।
लॉट्स ऑफ कोरिएंडर, और ये लीजिए हमारा पपाया ग्लेज चिकन तैयार है। तो चलिए इसको प्लेट करते हैं। ये ग्लेज से मैं प्लेट को एक बार ब्रश कर देती हूँ। लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर ऑन टॉप, और साथ ही में ये चिकन। और ये लीजिए तैयार हो गया हमारा पपाया ग्लेज चिकन। आप भी खाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय कीजिए।